हे गाइस, क्या हाल है। तो ये वाला वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे सिर्फ दो कॉमिक्स को लेके, नागिना का जाल और फिराया नागदंत। ये दो कॉमिक्स थी जिनका हमें बहुत समय से इंतजार था, खासकर फिराया नागदंत का, क्योंकि जो नागराज के पूरा कलेक्शन हमारे पास बना है उसमें क्लासिक नागराज में ये दोनों वो कॉमिक्स थी जो मिसिंग चल रही थी। बाकी सभी पार्ट्स हमारे पास टुकड़ों में अलग अलग सीक्वेंस में आ चुके थे। तो आखिरकार नागदंत हमारे पास आ गया और उसके साथ साथ नगीना का जाल भी आ गया, लेकिन जो नहीं आया वो है नवल्टी आइटम, जिसको हम चाहते हैं कि वो आता रहे। तो ये हैं दोस्तों दो कॉमिक्स जो इस सेट में हमारे पास आई हैं। प्राइसिंग की बात करें 120 ईच है दोनों का प्राइस। डिस्काउंट के बाद आपको लगभग 12-12 रुपये यानी कि 24 रुपये का डिस्काउंट टोटल इस पर मिल सकता है, और उससे ज़्यादा भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द सप्लायर यू हैव, यानी कि जो सेलर आपके पास है। तो इसमें आपको ओरिजिनल सेट डिटेल्स दोस्तों देखने को मिलेंगी, और जहाँ तक मेरा जो सूत्र है, मेरे विश्वसनीय सूत्रों का यही कहना था कि फिराया नागदंत के जो ओरिजिनल कॉपी थी वो अवेलेबल ना हो पाने की वजह से ये डिले होती जा रही थी, लेकिन अब इसमें हमको मिल गई है ओरिजिनल सेट डिटेल्स, और उसके साथ शुरू हो जाती है फिराया नागदंत कॉमिक्स। इस कॉमिक्स में दोस्तों पेपर यूज़ किया गया है जिसमें ग्लॉस काफ़ी ज़्यादा है, जैसा आप देख भी पा रहे हैं स्लाइड के। उसमें क्लोजली मैं आपको दिखाऊँ तो पेपर क्वालिटी अच्छी है, थिक पेपर है, कोई शिकायत वाली बात इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें आपको ये करेक्टर भी देखने को मिलेगा जिसका हमारे पास क्यूट वाला स्टैंडी भी आ रहा है। लोग पूछ रहे थे ना कौन है ये, जो छोटा सा करेक्टर था ध्रुव वाले क्यूट स्टैंडी में भी इसको ऐड कर दिया गया था, मैंने मंगाया नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता। तो वो ये है दोस्तों सिल्विया हुड, जिसके अंदर नेवले वाली शक्तियाँ आ जाती हैं, क्योंकि नेवले इसको काट लेते हैं, और जब इसको गुस्सा आता है ना, नागराज को कोई कुछ कर रहा होता है तो उसकी वो शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। तो कहानी अच्छी है दोस्तों, और पढ़ सकते हैं इसमें आप। नागदंत की वापसी होती है, फिर नागदंत की मौत होती है, आगे दोबारा वापसी होने के लिए डॉक्टर वायरस का इसमें ऐड है, मिस्टर 420 का इसमें ऐड है, और इसका नाम मिस्टर 420 इसलिए था क्योंकि ये राज कॉमिक्स का 420वां एडिशन था। तो कहानी को लेके बात क्या करें, अच्छी कहानी है, पढ़ सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्लासिक नागराज के अगर फैन है तो, और अगर आप क्लासिक नागराज के फैन नहीं है तो शायद आप उसकी कोई भी कॉमिक्स को पढ़ना पसंद इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। बाइंडिंग क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी, इट्स ऑल गुड, यानी कि जैसी हमने उम्मीद की थी उस तरीके का हमारे पास प्रिंट आ गया है। दूसरी है दोस्तों नागराज और नगीना का जाल, इसमें जो पेपर है वो भी बिल्कुल इससे भी ज़्यादा ग्लॉसी है, इसमें प्रॉपर आर्ट पेपर ही लग रहा है मुझे तो। यस, प्रॉपर आर्ट पेपर इसमें यूज़ किया गया, बढ़िया करके लाइट का इसमें इफेक्ट आता है, तो आपको थोड़ा सा ऐसे 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 एंगल बना के पढ़ना पड़ेगा। ये वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें आपको देखेगा नागराज भिड़ता हुआ पंचनाग से भी, इसमें दिखेगा आपको नागराज भिड़ता हुआ इन पांच शक्तियों से भी जो आगे भी देखने को मिली थी, जिन्होंने नागराज का बहुत ज़्यादा खून पिया था और खूब परेशान करता था नागराज को। तो नागराज और नगीना हमारे पास आ गई थी, अब नगीना का जाल भी हमारे पास आ गई है। तो आई थिंक आपका, मेरा, हम सभी का जो क्लासिक नागराज वाला कलेक्शन है वो इन दो कॉमिक्स के आ जाने के बाद पूरा हो गया होगा। कोई ऐसी कॉमिक्स नहीं बची जो नहीं होगी, और अगर दोस्तों नहीं हुआ है तो कर लीजिए, क्योंकि क्लासिक नागराज की कॉमिक्स जो हैं वो इतनी हाईफाई भले ही ना हो, लेकिन आपको एक कहते हैं ना कि एक गर्मी के मौसम में ठंडी हवा वाला फील दे देते हैं, आपको एक सूदिंग वाला फील दे देते हैं इतनी हाई फाई कॉमिक्स, मल्टी डायमेंशन, मल्टी टाइमलाइन, और दूसरा वो सब, ये सब वो सब, सबसे बच के एक अच्छा फील आपको ये दे देते हैं। तो इस वीडियो में इससे ज़्यादा बात करने के लिए मेरे पास शायद कहाँ से लाऊँ, कहाँ से लाऊँ, नहीं ला सकता। ये है नागराज और जादू का शहंशाह का एड, बाकीलाल सर्पलोक में, यानी बाकीलाल की जो यात्रा है वो इसमें दी गई है। इसी को आप एज अ इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं आपकी जो आगे वाली कॉमिक्स आने वाली हैं। नहीं, इसमें सर्पलोक तक की कहानी है। आवाज़ की तबाही का ऐड इसमें दिया गया है, अंडरवर्ल्ड का इसमें ऐड दिया गया है, और बस। तो टाटा बाय बाय, 3.5 मिनट का वीडियो, नमस्कार दोस्तों।